choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to God is coming. तो इस एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि जब पूरा हाइव माइंड इन्फेक्ट हो चुका था फिर भी वो ग्रिंडल सिम्बियोट इन्फेक्ट क्यों नहीं हुआ। वेल उसकी एक अलग कहानी है, उसे जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। वैसे आप देखने वाले हैं ही। ये कहानी जुड़ी हुई है रेक्स स्ट्रिकलैंड से। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 मार्च 1966। US आर्मी का एक सोल्जर जो कि ऑब्वियसली रेक्स नहीं है, वो वियतनाम के जंगलों में एक जगह छिपकर बैठा हुआ है। इस अंधेरे के अंदर कुछ तो है। इन सब की शुरुआत एक फायर फाइट से हुई थी। हम वियतनाम आर्मी के सोल्जर्स के साथ लड़ रहे थे जिन्होंने हमें अचानक से चारों तरफ से घेर लिया था। हम कई घंटे तक लड़ते रहे और तब हमारे वाले सोल्जर्स कुछ ही बचे थे और उसके बाद परछाई हिलने लग गई। ये चीजें अंधेरे के अंदर दुश्मन की तरफ दौड़ रही थी जैसे कि जंगल के अंदर शाख तैर रही हो। और तब दुश्मन की तरफ से गोलियां चलनी बंद हो गई और उसके बाद चिल्लाना शुरू हुआ। मेरी टीम के बचे कुचे लोगों ने आगे जाकर यह देखने की कोशिश की कि वहां पे क्या हो रहा है। तब से 2 घंटे बीत चुके हैं और अब मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा पाया हूँ कि मैं वहां जाकर देख सकूं। लेकिन ये जंगल अचानक से एकदम शांत हो चुका है। यहाँ पे किसी की आवाज नहीं आ रही, ना ही बर्ड्स और ना ही कीड़ों की। जैसे कि भगवान हमें ये संकेत देने की कोशिश कर रहा था कि वहां से भाग जाओ इससे पहले कि असली डार्कनेस आए। तो गाइस इस सोल्जर ने वहां पे जाकर देखा कि एक क्रिएचर लाशें खा रहा था। उसके मुंह से निकला हे भगवान। और गाइस वो एक सिम्बियोट था जिसने इस सोल्जर की आवाज सुन ली। तभी पीछे से एक दूसरे सिम्बियोट ने इस सोल्जर को पकड़ लिया, रेंशन लैंग्वेज में कहा गॉड इज कमिंग। फिर वो सिम्बियोट इस सोल्जर को खा गया। सैंडिनाविया, कुछ हफ्तों पहले। गाइस ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ छाई रहती है। निक फ्यूरी बता रहा है हमें धरती के हिलने की खबर मिली थी, इसलिए मैं एक टीम को लेकर स्कैंडिनेविया में एक खड़े के पास गया। हालांकि ऐसी छोटी मोटी चीजों के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें ये लगा कि शायद हाइड्रा जमीन के अंदर हथियार ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हालांकि वहां जाने पर हमें हाइड्रा तो नहीं मिला, लेकिन मदर ऑफ गॉड हमें एक ड्रैगन जरूर मिला जो कि बर्फ में जमा हुआ था। तो गाइस अब मैं आपको अपनी थ्योरी बताना चाहूंगा कि आखिर नल क्यों जागा। जब थोर ने इस ड्रैगन के ऊपर हमला किया होगा तो ये एक बर्फीले इलाके में जा गिरा जहाँ इसे कोई होस्ट नहीं मिले और इसीलिए इंसानियत ने इसे इन्फेक्ट नहीं किया और बर्फ में जम जाने की वजह से ये नल से दोबारा कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। निक फ्यूरी कह रहा है हमने उस क्रिएचर से एक सैंपल निकाला और तब हमें पता चला कि एक एंशियंट एलियन है, लेकिन हमें तब अचंभा हुआ जब हमने इसे जिंदा पाया। थोड़े बहुत और कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने इस सैंपल का एक जिंदा टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर यूज किया। वहां हमने ये जाना कि ये एक सिम्बियोट है, एक पैरासाइट। हालांकि इसने अपने होस्ट के साथ बॉन्ड बना लिया था, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे क्योंकि गाइस उस चूहे ने अपने साथ मौजूद बाकी 2 चूहों को फाड़ डाला। अब तक निक फ्यूरी एक आदमी को ये सब बातें बता रहा था। उस आदमी ने कहा है कौन ही सोच सकता था कि ऐसा होगा। अब ज्यादा कुछ बकवास बंद करो, मुझे बताओ कि तुमने इंसानों के ऊपर टेस्ट करना कब चालू किया। निक फ्यूरी कहता है देखो तुम हमारे बारे में चाहे कुछ ही सोच लो, लेकिन हम मॉन्स्टर्स नहीं हैं और तुम्हारे लिए इस बात को समझना मुश्किल होगा, लेकिन मैंने इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं कहा था। शील्ड को हमेशा ही ऊपर वाले लोग चलाते आए हैं और कैप्टन अमेरिका के खो जाने के बाद वो लोग नए सुपर सोल्जर्स बनाना चाहते थे। सेम सोल्जर प्रोग्राम के लिए जिन आदमियों को चुना गया उन्हें मैंने खुद सेलेक्ट किया था जिन्हें रेक्स स्ट्रिकलैंड लीड करता था, कोड नेम टायरानोसोरस। 4 महीने पहले हमने उनको साउथ वियतनाम भेजा क्योंकि हमें एक आधुनिक हथियारों की फैक्ट्री का पता चला था जिसे वियतनाम के लोग बना रहे थे और इन सिम सोल्जर्स ने उस फैक्ट्री का नामो निशान मिटा दिया, लेकिन उसके साथ साथ सोल्जर्स की एक पूरी कंपनी को भी खत्म कर डाला और वो कंपनी हमारे सोल्जर्स की थी। उस जंगल के अंदर कुछ बहुत गलत हो गया था, हमारे मॉन्स्टर्स खुले घूम रहे हैं। उस आदमी ने पूछा लेकिन इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। निफिर कहता है मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम थोड़ी देशभक्ति दिखाओ। तब लोगों ने कहा सवाल ही नहीं उठता बाब, मैं कनाडियन हूँ। निक फ्यूरी समझाता है देखो लोगन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम उस इलाके को काफी अच्छी तरीके से जानते हो। लोगन ने पूछा तो मुझे ये बताओ हमें ये पता चला कि दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ है और तुमने उनको एक वार लड़ने के लिए भेज दिया, ये कौन सी बचकाना हरकत है। लेकिन निक फ्यूरी ने कुछ नहीं कहा। लोगन कहता है
देखो निक, ये पहली बार है ना जब हमें ये पता चल रहा है कि एलियन लाइफ है। निक फ्यूरी उसकी बात को मरोड़ते हुए कहता है, कल सुबह एक चौपर हमारा वेट कर रहा होगा। लोगन ने कहा, क्या मतलब हमारा, मैं टीम में काम नहीं करता। तो निक फ्यूरी कहता है, अरे तुम्हें एक टीम के अंदर कौन रख रहा है, बिल्कुल नहीं, हम ये काम खुद करेंगे। तो गाइस अगले दिन ये दोनों वियतनाम पहुंच चुके हैं। लोगन कह रहा है, माफ करना मैं तुम्हें यह बताना भूल गया, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं इन आदमियों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा और मैं काफी कुछ कर भी सकता हूँ, लेकिन एक देश में 5 हथियारों को ढूंढना जिसमें से हर एक के अंदर से खून की स्मेल आ रही हो, कोई भी इतना अच्छा नहीं है। तो गाइस हम देख रहे हैं कि कोई छुप कर इनके ऊपर नजर रखा हुआ है। निक फ्यूरी ने कहा, अगर तुम कोशिश भी करते तब भी तुम इनको ट्रैक नहीं कर पाते। ये लोग अपना रूप बदल सकते हैं, वो किसी का भी रूप चेंज कर सकते हैं, और अगर वो तुम्हारे सामने भी खड़े हो जाएं तब भी तुम उनको नहीं पहचान पाओगे। लोगन पूछता है, तब हम इनको कैसे ढूंढेंगे। निक फ्यूरी ने कहा, हमने उन सोल्जर्स की गर्दन में किल स्विच लगाए थे और साथ ही साथ एक ट्रैकिंग डिवाइस, लेकिन अगर हमने नहीं भी लगाए होते तब भी ये लोग लाशों का एक रास्ता छोड़ गए हैं। लोगन देखता है कि इनकी बॉडीज में हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचा। लोगन तो ये भी नहीं बता सकता कि ये हड्डियां अमेरिकन की हैं या वियतनाम की। फिर लोगन ने पूछा, अगर तुमने इनकी बॉडीज के अंदर पहले से एक किल स्विच लगा दिए थे तो अभी तक उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया बे, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। निक फ्यूरी कहता है, हम नहीं कर सकते, ये लोग दुश्मन के इलाके में हैं और जो चीज ये पहने हुए हैं ये जिंदा है। अगर इनके अंदर के होस्ट मर जाते हैं तो ये किसी दूसरे होस्ट को ढूंढ लेंगे, और अगर ये चीज दुश्मन के हाथों लग गई तब तो बहुत बुरा होगा। तभी लोगन को कुछ मिला, उन्हें सोल्जर्स के अंदर लगाया हुआ एक किल स्विच जो उन्होंने खुद बखुद अपनी गर्दन से बाहर निकाल दिया था। ये देखकर लोगन समझ आता है कि अब तो लग गई बेटा। तभी उसे कुछ महसूस हुआ, उसे किसी की स्मेल मिलती है। उसने कहा, कोई हमारे पास में है। और तभी एक सोल्जर हाथ ऊपर करके झाड़ियों से बाहर निकला, यही रेक्स स्ट्रिकलैंड था। निक पूछता है, बाकी सब कहाँ पे है और तुम्हारा सूट कहाँ है। रेक्स कहता है, वो सूट मुझे छोड़कर चला गया और मुझे यहाँ पे टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ था, मेरे लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। वो एलियंस हमारे दिमाग में चिल्लाने लगे, ये कोई ऐसी लैंग्वेज बोल रहे थे जो हमें समझ नहीं आई, और तब हम उन सिम्बियोट्स के अंदर बेहोश हो गए। जब हम जागे तो हमारे सामने लाशों का ढेर था। निक कहता है, शांत हो जाओ सोल्जर, थोड़ी सांस लो, क्या तुम हमें बता सकते हो कि वो कहाँ पे हैं, वो बदले क्यों और वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तभी कोई उनके पास चिल्लाते हुए आया, उससे दूर हट जाओ, वो मैं नहीं हूँ। और गाइस ये असली वाला रेक्स स्ट्रिकलैंड था। तभी पहले वाला रेक्स एक सिम्बियोट में कन्वर्ट हो गया। रेक्स ने उस सिम्बियोट के ऊपर फायर पावर से हमला किया। लोगन और फ्यूरी इसके ऊपर गोलियां चलाने लगे। लोगन ने इसके भयंकर रूप को देखकर पूछा, आखिर ये चीज है क्या। रेक्स ने कहा, तुम्हें भागना होगा, गन्स इसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगी। निक फ्यूरी रेक्स को पीछे हटने के लिए कहता है। उसने कहा कि हम स्पेशल गन्स लेकर आए हैं जो इस क्रिएचर को बेहोश कर सकती है, अगर हमें सही निशाना मिल जाए तो। रेक्स ने कहा, बेहोश करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें भागना होगा, मैं इसको रोके रखता हूँ। तभी वो सिम्बियोट रेक्स के फ्यूल टैंक की तरफ बढ़ने लगा, और इससे पहले के लोगों ने उसे दूर कर पाता वह एक धमाका हो चुका था। हालांकि फिर भी लोगन ने रेक्स को काफी ज्यादा घायल होने से बचा लिया। रेक्स ये देखकर हैरान था कि लोगन ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि गाइस वो अब तक लोगन के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो लोगन से पूछता है कि तुम क्या हो। तभी निक चिल्लाया, ध्यान दो, वो सिम्बियोट कहाँ गया। रेक्स ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुम कहाँ पे हो तो रुकने वाले नहीं है। लोगन कहता है, रिलैक्स बच्चे, हम तुम्हें और तुम्हारे आदमी को यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाएंगे। रेक्स कहता है, नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, जब मैंने वो सिम्बियोट पहना था तब मैं आग में से चल सकता था, कोई भी चीज उन्हें नहीं रोक सकती। तभी निक फ्यूरी को अपने हाथ पे कुछ टपकना महसूस हुआ। उसने ऊपर सिर उठाकर देखा कि वो चारों सोल्जर्स और पांचवा सिम्बियोट वहां पहुंच चुके थे। लोगन रेक्स को वहां से भागने के लिए कहता है। रेक्स उन चीजों से इतना डरा हुआ था और उसके पास कोई हथियार भी नहीं थे, इसलिए वो जंगलों की तरफ भाग गया। निक फ्यूरी उसे ऑर्डर देकर वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन ने कहा, उसे जाने दो, अगर तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए और लोगों को मारना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। उधर रेक्स जंगलों की तरफ भागता जा रहा है, लेकिन उसे रह रहकर लोगन के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो भाग नहीं पाता। इधर सिम्बियोट्स ने लोगन को चारों तरफ से घेर लिया है, बाकी निक फ्यूरी को पकड़े हुए हैं, और तभी रेक्स वाला सिम्बियोट लोगन के साथ बॉन्ड बना लेता है। गाइस जो काफी भयंकर दिखाई दे रहा है। लोगन उछलकर निक फ्यूरी की तरफ बढ़ा, और तभी रेक्स घिसटता हुआ वहां पे आया। उसने निक की गन उठाकर लोगन के ऊपर हमला किया, जिससे लोगन की बॉडी से वो सिम्बियोट अलग हो चुका था, लेकिन बाकी वाले सिम्बियोट अब भी निक फ्यूरी को घेर रहे हैं। लोगन ने कहा, वो गन मुझे दो। रेक्स कहता है, रुको, इससे तुम उसे मार दोगे। इस पे लोगन ने कहा, मुझे उसे मारना ही है।
तभी लोगन उनके ऊपर हमला करता है। रैक्स ने कहा, लगता है कि वो भाग चुके हैं, लेकिन लोगन मना करता है। उसने कहा कि वो अब भी हमें घेरे हुए हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन हैं। रैक्स पूछता है, भला इसका क्या मतलब है? लोगन ने कहा, इसका मतलब है कि हम में से कुछ बहरूपीय हैं। ये निक फ्यूरी असली वाला निक फ्यूरी नहीं है, बल्कि एक लाइफ मॉडल डिकॉय है। तुम उसे कायर भी कह सकते हो। वो LMD से कहते हैं, क्या बात है फ्यूरी, क्या तुम्हारा इतना बड़ा नहीं है कि तुम अपनी गलती खुद हैंडल कर सको, या फिर तुम्हें ये डर लग रहा है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा जब मुझे ये पता चलेगा कि ये सब किसकी वजह से हुआ है? ठीक है, कुछ मत बोलो। मैंने भी इनमें से एक चीज के साथ बॉन्ड बनाया था। मैं जानता हूँ तुमने इसके साथ क्या किया, और मैं जानता हूँ कि अब भी तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम इसे बताओगे या मैं बताऊँ? तभी उस लाइव मॉडल डिकॉय के थ्रू निक फ्यूरी बोलते हैं, भला हमें कैसे पता होता? जब हमने उस सैंपल का यूज किया था, हमें नहीं पता था कि ये क्या चीज है, और जब हमें ये पता चला कि ये चीज जिंदा है, लोगन ने कहा, तब तुम उसे मारने के तरीके ढूंढने लगे। निक फ्यूरी कहता है, हमें करना पड़ा लोगन, अगर हमें इसके हिस्सों को वॉर में यूज करना था तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस ड्रैगन को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। हमें क्या पता था कि इन सब का दिमाग एक साथ जुड़ा हुआ है। हम नहीं जानते थे कि ड्रैगन के ऊपर हमला करने की वजह से वो बाकी सोल्जर्स भी पागल हो जाएंगे, उन्हें भी दर्द महसूस होगा। लोगन चिल्लाया, तुमने एक चीज को कैद करके उसके ऊपर टॉर्चर किया है, और जब ये तुम्हें खाने आया तो तुम सरप्राइज हो रहे हो? क्या तुम मुझे ये सब करवाने के लिए लाए थे, एक जानवर को दूसरे जानवर से लड़वाने के लिए? निक फ्यूरी कहता है, मुझे उन सब चीजों को साफ करना था शांति के साथ। तुम तो जानते ही हो लोगन, माफ करना कि ये सब इस तरीके से खत्म हो रहा है। तभी उस LMD के अंदर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। रैक्स ने पूछा, ये काउंटडाउन क्यों कर रहा है? तो लोगन कहता है, ये फटने वाला है। मैं जानता हूँ निक, मैं शील्ड को जानता हूँ, और अगर तुम यहाँ पे सब कुछ साफ करने आए हो तब हम इस धमाके से बचकर नहीं भाग सकते। 60 सेकंड के अंदर ये पूरा जंगल राख बन जाएगा, लेकिन चिंता मत करो रैक्स, हमें नहीं लगता कि हम 60 सेकंड तक जिंदा बच पाएंगे, क्योंकि गाइस वो सिम्बियोट फिर से इनके सामने आ चुके हैं। तो गाइस प्रेजेंट में निक फ्यूरी रैक्स से पूछ रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ? काउंटडाउन शुरू होने के बाद रैक्स ने कहा, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया था। वो एलियंस और जो उनके अंदर इंसान थे वो बहुत खूंखार बन चुके थे। मुझे उस एलियन ने घेर लिया जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, और मुझे डर लगा। उस एलियन ने फिर से मेरी बॉडी के साथ बॉन्ड बना लिया था, मुझे उस ब्लास्ट से बचा लिया, मेरी जिंदगी बचा ली, और उसके बाद मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। तो गाइस रैक्स ने लोगन को पकड़ लिया और कहा, हम जानवर नहीं है। ये कहते हुए उसने लोगन को बहुत दूर फेंक दिया। और गाइस निक फ्यूरी रैक्स से कह रहे हैं, ये सोचना कि वहां कोई लोगन नहीं था। अब मुझे ये बताओ कि धमाके के बाद क्या हुआ? रैक्स ने कहा, उस विस्फोट के बाद जब मैं जागा तब मैं वहां पे अकेला था, मेरे पास वो सिम्बियोट नहीं था, और तब तुम्हारे एजेंट्स आए, उन्होंने मुझे और मेरे आदमियों को ढूंढा। अब मैं इस कमरे के अंदर हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ। निक फ्यूरी कहता है, तुम समझ रहे हो ना कि हमें जो कुछ करना पड़ा वो हमारी मजबूरी थी। अगर मुझे कुछ और जानना होगा तो मैं फिर से तुम्हें बुलाऊंगा, यही हमारा काम है। रैक्स कहता है, मैं तो बस जिंदा बचकर खुश हूँ। निक फ्यूरी ने कहा, तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, अब तुम तो अपने सूट से अलग हो चुके हो, लेकिन हम तुम्हारे बाकी साथियों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, हम उन्हें अलग नहीं कर पा रहे हैं। इन चीजों ने तुम्हारे साथियों को जकड़ लिया है, अगर हम उनको अलग करने की कोशिश करेंगे तो तुम्हारे साथी मारे जाएंगे। रैक्स ने पूछा, तो हम उनके साथ क्या करेंगे? निक फ्यूरी कहता है, हम उनको बर्फ में जमा देंगे, क्रायोजेनेसिस के अंदर भेज देंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन हमारे पास यही रास्ता है जब तक हम उनको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। रैक्स ने पूछा, क्या आपको मेरे वाला एलियन सूट मिला? लेकिन निक फ्यूरी मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा सबसे बेहतरीन आदमी उसे ढूंढ रहा है, और वो इसे ढूंढने में काफी माहिर है। रैक्स ने पूछा, वो कौन है? तो निक फ्यूरी कहता है, वो तुम हो, तुमने अपनी वफादारी दिखाई है, तो तुम क्या कहते हो, तुम एक एलियन को पकड़ने में मेरी मदद करोगे? रैक्स ने कहा, मुझे खुशी होगी। लेकिन गाइस सच तो ये है कि ये असली वाला रैक्स है ही नहीं। ये थी रैक्स की कहानी। इसी तरीके से गॉड इज कमिंग के अंदर बीच बीच में मैं आपको काफी सारी कहानियां सुनाता रहूंगा। उम्मीद आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और ये है भी वैसे काफी लंबा, तो एम करते हैं 1200 लाइक्स के लिए। आप जल्दी पूरा करवा दीजिए।